तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के आंदोलन का आज 12वां दिन है और इस आंदोलन को पंजाब हरियाणा से लेकर विदेशों तक से समर्थन मिल रहा है। वहीं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसानों से मिलने सिंघू बॉर्डर पहुंचे। उनके साथ मनीष सिसोदिया भी थे। केजरीवाल और उनके मंत्री किसानों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि हम किसानों के साथ हैं, केंद्र सरकार किसानों के साथ गलत कर रही है। वहीं पंजाब के खिलाड़ी और कलाकारों ने ऐलान किया है कि वो अवार्ड वापसी करेंगे। ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर विजेंदर सिंह ने रविवार को कहा कि कानून वापस नहीं हुए वे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वापस कर देंगे। वहीं देश भर से अलग अलग राजनीतिक दलों ने किसानों के इस बंद के ऐलान को समर्थन देने की घोषणा की है।